बाजार के दिग्गज शेयर पे सवाल है विकास पुरोहित जी का। रिलायंस में एंट्री पॉइंट कितना रखना चाहिए लंबी अवधि के लिए? तो क्या इस समय जिस तरह से रिलायंस में एक चाल बनी थी बीच में, उसके बाद अभी एंट्री पॉइंट दिख रहा है या इंतजार करना ठीक रहेगा? रिलायंस का देखिए, ब्रेकआउट तो क्लियर है ना 3000 के ऊपर, तो एंट्री पॉइंट भी आपका 3000 के आसपास ही बनता है, थ्रोबैक है। तो अब सवाल है कि आप किस तरह का व्यू लेना चाहते हैं, कितने समय का व्यू लेना चाहते हैं, उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। लंबी अवधि की बात लेकिन कही है इन्होंने। हाँ, लंबी अवधि के लिए तो थोड़ा मुझे लगता है कि नीचे कभी भी मिले तो आपका 3000 का रिस्क कंटेनमेंट जोन है, और उसके आसपास मिले तो इसको ग्रैब कर सकते हैं और फिर इंतजार कर सकते हैं, बिकॉज वहीं से ब्रेकआउट हुआ है 3000 के आसपास। यहाँ पे जल्दबाजी करने का तो कुछ मुझे रीज़न नहीं लगता है राजू जी, और चूंकि ट्रेडिंग की बात कर नहीं रहे हैं, लंबे समय की बात कर रहे हैं, इसलिए मुझे ऐसा ही बताना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा थर्सडे का लो विच इज़ 3141। ओके, कहीं ना कहीं 141 नंबर ये निफ्टी से बोरो करके आ रहे हैं। 3141 इसका है लो, इसके नीचे फिर इसका करेक्शन हो जाएगा शुरू, और मे बी ये एंट्री पॉइंट क्रिएट करेगा, उसके पहले एंट्री पॉइंट नहीं है इसके पास। और ये जो एंट्री पॉइंट हो सकता है वो एनी कुछ भी 3100 के नीचे कुछ भी वो एंट्री पॉइंट हो सकता है, और 3000 के नीचे रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, ऐसा ही लगता है। देख जी, तो फिलहाल अभी रिलायंस में थोड़ा सा अगर नीचे का भाव मिल जाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर किसी को लंबे अवधि के लिए 5 साल के लिए देखना है तो क्या इससे बहुत फर्क पड़ेगा कि उसने 3000 पे खरीदा या 3100 पे खरीदा या 3200 पे खरीदा? आरओआई पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है ना जी। आप 100 रुपये की चीज़ को 80 रुपये पे लेंगे तो 160 पे डबल हो जाएगा, लेकिन 100 की चीज़ को 120 पे लेंगे तो 240 पे डबल होगा, आपका पूरा CAGR ही किधर से घूम के किधर चला जाएगा। तो लंबे समय के लिए तो जितना नीचे खरीदें उतना बेहतर, लेकिन 3200 और 3100 में तो वैसा फर्क नहीं होगा ना? नहीं, 3231 में नहीं होगा, लेकिन 3200 और 3000 के बीच में आप देखें करीब करीब 8% का डिस्टेंस, और ये लार्ज कैप है। लार्ज कैप में 8-10% बहुत होता है। हम रिलायंस से कौन सा CAGR उम्मीद कर रहे हैं कि 25% का देगा, 15% भी दिया तो बहुत है।